दुनिया मेरे आगे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। मुश्ताक साहब, मैं आपसे, देखिए मैं बहुत अरसा खामोश रहा, ठंडा रहा, हमने कहा चलना चाहिए चलना चाहिए, लेकिन मैं आपको 10-12 दिन से कितना अपसेट नजर आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ तक कहा कि चूंकि मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि मार्शला को आंसर नहीं, लेकिन मुश्ताक आजकल जो कुछ हो रहा है उनमें से कुछ चीज़ें देखकर मेरा दिल करता है कि टखनों से ऊपर वाली शलवार पहनूं और वजीरिस्तान में निकल जाऊं। वो क्यों जी भाई? ताकि फिर ठीक है, फिर अपना एक ये ऑप्शन मैंने नहीं कभी आजमाया, लेकिन उसके बावजूद देखो एक इस्लाह के तरीके और वो सब्र वो हम करने को तैयार नहीं है। अब अगर एक गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पिटिशन के जरिए भेजेगा, आइंदा कोई भी इलेक्शन हो, आइंदा वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, फिर उस तरह का होगा आजाब के जनाब जब गवर्नमेंट डिसमिस होती है मोहम्मद खान जुनेजो की, तो कहा जाता है थोड़ी गलत गई थी या ऐसे ही था कि इसके घर में चोरी हुई थी, वो ठीक है, लेकिन ये कि अब वो लूटा हुआ सामान क्या वापस क्या करे, कोई रिलीफ नहीं, नहीं था। उसके बाद ये हुआ कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट तोड़ी गई, तो आया जी के बिल्कुल ठीक तोड़ी गई है, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट तोड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया और वो तारीखी फैसला अभी तक वो कौमी असेंबली में लगा हुआ है, और नतीजा ये कि उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब आ गए फिर 1997 में। अर्ज करने का मतलब ये है कि अगर आज आप एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इन्वोक होगी, उसको एक तो वैसे ही दुनिया में जैसे बार बार आप कह रहे थे इस हुकूमत के कारहाए नुमाया, अब कल मैं जो एक वजीर साहब के बारे में बता रहा मुझे, था मुझे जो मामू बन चुके हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत के बेटे के, और ऐसे मामू हैं, ऐसे नेक मामू हैं, ऐसे अजीबोगरीब गुमराह कुन मामू हैं कि लंदन के कसिनोज में उनको कह रहे हैं ला पुत्र एला भड़, ठीक है ना। मैंने तुम्हें यह भी कहा 6 बुजुर्ग की फहरिस्त, जो चीजें हो रही हैं उस पर हम रोते हैं चीखते हैं। नुसर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में आप आज तक देखें कि गवर्नमेंट जो है ना, ठीक है अफशान गजनफर से आपको भी इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है, और ये हमारा हक है इख्तलाफ करने का, लेकिन अगर आप फैसलों पे फैसले किए जाए सुप्रीम कोर्ट, और फैसलों के ऊपर आप जो है ना तरखा रहे हों, बाबर अवान साहब बैठे हों जो बहुत बड़े मुजद्दद किस्म के कानूनदान हैं जिन्होंने बाकायदा कानून को ईजाद किया है, एक दिन बाकायदा किसी टीवी चैनल में बैठे हुए थे, कह रहे थे कि अहद शिकनी नहीं करनी चाहिए, अहद शिकनी की यह सजा है, उन्होंने कुरान में बाकायदा पढ़ के सुनाया। मैं वहां पे लाइव कॉल ले रहे थे, मैं पूछता मैं वज़ीर कानून साहब या आसिफ ज़रदारी साहब को तो बताओ ना यार अहद शिकनी, यहाँ टीवी पे आके एक मायदा हुआ उससे मुकर गए, ये कुरान की आयत उधर पढ़ के सुनाओ, हमें कनाडा से कॉलर है तो ये खुद नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई एक्शन। जी यार ओवरसीज कॉल है, उनको जरूर अकोमोडेट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम। मैं जी कनाडा से बोल रहा हूँ, खुर्शीद नाम है मेरा जी भैया। हम जो पाकिस्तान में कनाडा बैठ के पाकिस्तान की जो बातें सुनते हैं वो हमें दुख देती हैं, हमें बहुत दुख होता है जी कि हमारा पाकिस्तान कैसे क्या हो रहा है, पाकिस्तान को उसको बचाने वाला कोई नहीं, अपनी सीटों के पीछे पड़े हैं सारे। नहीं, पाकिस्तान अल्लाह का फजल है जी, ऐसा भी मायूसी ना करे, 1947 से तो बुरे हाल नहीं है खुर्शीद साहब, 1947 नहीं भैया, 1947 से ज्यादा बुरे तो हाल नहीं है, जब ये मुल्क बना था कुछ भी नहीं था, अभी तो इंशाल्लाह अभी टीवी मोहतरमा टीवी पे आई थी वो जी टीवी पे मोहतरमा आई थी, मैंने फोन किया उसकी बातें सुन के। हाँ हाँ सही बात है, आप जो फरमा रहे हैं वो सही है, लेकिन वो सरासर गलत कर रही थी जो भी कह रही थी बिल्कुल, और देखिए हम देखे हम भी उस पे कर रहे हैं, लेकिन बार बार नहीं है ये देखिए खुर्शीद भाई, लोगों की फ्रस्ट्रेशन भी है, उसको भी हमें रिफ्लेक्ट करना है, उसको भी जाहिर करना है, हमें भी बहुत गुस्सा आता है। पहली बात तो सिर्फ ये आती है कि हुकूमत को 5 साल की चाहिए, ठीक है ठीक है जी, 5 साल चाहिए ना इसको, बिल्कुल चाहिए जी, बिल्कुल चाहिए, तो 5 साल दे उसको क्यों नहीं देते आप, ठीक है जी बिल्कुल, आप हम भी तकरीबन यही बात कर रहे हैं। और इन द मीन वाइल जी बहुत शुक्रिया आपने हमें कनाडा से कॉल किया, ये जज्बात है, बड़ी मेहरबानी आपके साथ बात है, आप सही कह रहे हैं, अगर 5 साल और इस्लाम के तरीके मतलब बाहर हाल देखो भी जो भी है ख्वाजा साहब, क्या ख्वाजा साहब वो क्या ओजीडीसी गए थे जो जी, क्या हुआ फिर
अरे आज तो जमानत भी हो गई ना भाई जान, वो सारी चीजें ठीक है। वो तो तब है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना ले, फिर सुप्रीम कहते जी सुप्रीम कोर्ट लेकिन एक चेक तो आ गया, चेक कैसे आ गया ना जब सुप्रीम कोर्ट में 100 वोट नहीं चेक होता है ना, टीवी प्रोग्राम में आप करते हैं बात, सुप्रीम कोर्ट वहां पे लेती है नोटिस, अच्छी बात है। और जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब किया क्यों नहीं किया, मुझे ये बताएं। आपने जिक्र किया अगले दिन, आज नहीं अगले दिन सीडी मंगा के देख ले, कहते कि अच्छा जी ये आया है। नहीं, कल वजीर आजम साहब से उन्होंने कल गैर मुल्की सहाफी और ऐसे पाकिस्तानी जो गैर मुल्की मीडिया के लिए करते हैं उनमें हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त ने उनसे पूछा कि ये आपने क्या किया, तो बेचारे मुस्कुराए और बड़ी मासूमियत से उन्होंने कहा कि चलो यार मैं इंसान हूँ, इंसान से गलती हो जाती है, मैंने फैसला किया था डी नोटिफाई भी तो कर। तो हर जगह पे देखे ना इंसान गलती, हर जगह पे माल कमाने के लिए आप गलती करें, हर जगह पे अपने बेटे माल कमाने का, मैं मेरी बात सुने, अल्लाह माफ करे, दुनिया में पाकिस्तान में ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आया, मैं बिल्कुल यकीन के साथ कर रहा हूँ, वजीर आजम खुद अहलिया मोहतरमा बेटे सारे मिलके लूट रहे हो, अनफेयर नहीं, बिल्कुल ठीक बात, बात मत करो, जब दुनिया में ऐसा कोई है आया, कोई ऐसा मेरा आसिफ जरदारी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी वो भी इन्हीं की पार्टी थी, इसके अलावा कोई नहीं, कोई ऐसा हुकूमत आज तक आई नहीं है जिसमें दोनों जो है जोड़ा वो मैं आपसे हम यहाँ पे बैठे यहाँ आप बेशक आप बात करें, आपसे मैं एक बात पे इसरार करता हूँ कि बात वो करो तुम्हारे पास सब ये मेरी बात सुने, ये मेरी मैं को कारोबारी आदमी, लेकिन आप मुझे को काम अगर आपको चाहिए मुझे बताएं, मैं आपसे मैं डील करा के दूंगा, अल्लाह ना करे मैं अगर आप छोड़े ना फिर ये बात तो तुम्हारे साथ बैठ के ये भुगत रहा होता है यार, सब क्या बात करते हैं, यहाँ जो चपरासी की नौकरियां बेचते हैं पता लगता है जी कोई भट्ट साहब है, कोई वहां से फोन कराए और आप लग जाए, आज मुझे एक एक मर्जी में आप मेरी बात सुने, एक छोटी सी बात, हमारे लाहौर के दोस्त हैं हमारे, उन्होंने फोन किया जी ये महकमा तालीम में ये कोई अपना स्कूल टीचर की नौकरी है, तो उसका फाइनली पता है या तो पीपल्स पार्टी कर सकती या सरदार आसिफ अहमद अली साहब। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं रोक के उनको तो खैर मैंने जवाब दिया कि मैं पता कराता हूँ, पता कराया जब उन्होंने कहा जी भाई साहब ये तो असमियाँ पहले से बिकी हुई हैं, इसके तो पैसे पकड़े हुए हैं, कैसे आपको कोई सिफारिश से करके देगा या किसी को मेरिट पे करके देगा ना, देखो मैं मेरी बात तो सुने ना, ये सारा सिस्टम इसी तरह हर बंदा दिहाड़ी लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को अगर आना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज के मामलात में जब देखती है तो उसके बाद आपको सो मोटो याद आता है, उसके बाद डी नोटिफाई भी तो उसी सूरत में आएगा मुश्ताक मेरे भाई, कि जब ये तुम बात कर रहे हो तुम ये कहोगे कि जनाब ये पांच बंदे हैं, इन्होंने इतने पैसे दे के फर्ज करो महकमाए नोटिस, मैं आपको बताऊं मैं अगर उस पर आ जाए उस पर भी आ जाए उसके लिए भी है, बिल्कुल हम करेंगे, ये करना चाहिए बिल्कुल, कि खुदा लिए खुदा के लिए, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको वजीर बनाया है वजीर आजम बनाया है यार, इस्लाह अहवाल के लिए ये भी जरूरी है कि हमें सुनी सुनाई बात नहीं करनी, आप ख्वाजा साहब की बात की थी ना क्योंकि मुझे पता था कि मामला ही अच्छा, अब जैसे वो जो बात थी चूंकि मुझे पता था कि ये वाकई हो गया, ये फाइलें पड़ी हुई हैं, अब आज भाई सदर साहब ने आखिर बुलाया होगा ना वुज़रा को, बिल्कुल है, अब वो आके सिर्फ वो यही कह रहे हैं, से कॉलर है अच्छा बदीन से, जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम जी, जी सर ये जो मोहतरमा भी बैठी थी जी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जी, कौन सा बात कर रहे हैं सर, अली कासिम बदीन से जी, अली कासिम भाई सर ये जो मोहतरमा भी बैठी थी अपना सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो उन्होंने रिट दायर की है जी, तो ये सुप्रीम कोर्ट कैसे हुकूमत को बरतरफ कर सकती है, ये तो जो सुप्रीम कोर्ट छोटे छोटे फैसले देती है उस पर भी अमल नहीं करते, तो ये तो मतलब इन्होंने जो की है अपना रिट दायर की ये तो फजूल ही है ना, समझ नहीं नहीं फजूल नहीं है, उनकी प्ली ये है बहरहाल, लेकिन देखिए अब उन्होंने वो पिटिशन कर दी, वो पिटिशन जाने रजिस्ट्रार साहब जाने वो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ये कह रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान को प्रॉपरली कहा जाए और वो इनको हटाएं, वो इस तरह की बात, और फिर मिड टर्म इलेक्शन की बात का भी है, और वो ये भी कह रही हैं कि उसके बाद जो इलेक्शन होने हैं उसमें आर्टिकल 62-63 के तहत मैं तो डिस्क्वालीफाई हूँ उसके लिए, लेकिन ये कि तुम लड़ सकते हो मैं नहीं, ना मैं भी नहीं लड़ सकता आर्टिकल। अच्छा अब मैं जो तुम्हें जो असल जो एक और जो अहम बात जो आप बिल्कुल इस वक्त जो है आप नजरअंदाज कर रहे हैं सर, ये जो मरकज और पंजाब में ये जो स्पेशल ब्रांच के हवाले से जिस झगड़े का आप रेफरेंस दे रहे हो, FIA वर्सेस स्पेशल ब्रांच और उसका एरिया है ये नहीं है, मुश्ताक पिनहास मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ इसको इनिशिएट कौन किसने किया क्या किया मुझे पता नहीं, आखिर में क्या निकले,
लेकिन एक बात मैं तुम्हें पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसको इनिशिएट करने वाले वो हॉकिश एलिमेंट हैं जो उस मूव को नाकाम करना चाहते थे जो वजीर आजम और उनके कुछ साथी ये प्लान कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो हालिया बयानात आए थे, जो कल की भी उनकी तकरीर को जहन में रखते हुए ये उसको सबवर्ट करने की एक मूव। बहरहाल जी, करने वाले तो जो अपने एजेंडे पे लगा है वो तो करेगा। बिल्कुल, प्रोग्राम के खात्मे का वक्त, नादिन आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस dma@duniatv.tv, दोस्तों जावेद और मुश्ताक मिनाज को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।